जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। कला है तो निखारो, हुनर है तो सवारो। बचपन में टीवी पे वो कार्टून फिल्म देखी थी ना, जिसमें ऐसे शिकारी आके जाल बिछाता है और बहुत सारी चिड़िया उसमें फंस जाती है, फिर एक एक करके चिड़िया अकेले अकेले उड़ने की कोशिश करती है लेकिन उड़ नहीं पाती, और फिर सारी की सारी एक साथ में उड़ती हैं तो पूरा का पूरा जाल लेकर ही उड़ जाती है। वैसे ही औरत को एक साथ पूरा का पूरा जाल लेकर उड़ना है, अपने जैसी दूसरी औरत को हाथ देना है, अपनी जैसी दूसरी औरत का साथ देना है, सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है। अगर आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते तो कोई बात नहीं, अपने हुनर को घर के बाहर भेजो। अब पापड़ बेलो, टिफिन बनाओ, रोटियां बनाओ, चाहे जो करो लेकिन कुछ करो। मैं हमेशा आपके साथ हूं, अनुची की कंपनी आपके साथ है। अब बस आपको अपना साथ देना है, हिम्मत करके आगे बढ़ना है। इन तालियों की असली हकदार मैं नहीं हूं, अनुची है। अगर ये नहीं होते तो मैं यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। मेरी सहेली देविका है, अगर इसने हिम्मत नहीं दी होती तो मैं घर से पहला कदम बाहर निकाल ही नहीं पाती। मेरे बापूजी है जिन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत दी। बहुत साल पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी जो आज मानो जी को देखकर याद आ गई। पुरुष कहलाने का एक ही प्रमाण है, पुरुष कहलाने का एक ही प्रमाण है, सच्चा पुरुष वही है जिसके मन में नारी का सम्मान है। तो क्या आप सब इस कंपटीशन को शुरू करने के लिए तैयार हैं? हाँ सर। इतना धीरे से? हाँ, बिल्कुल मजा नहीं आया। हाँ सर। बिल्कुल दम ही नहीं है। हाँ। I knew it. और मुझे ये भी पता है कि ये शांति कुछ ही दिनों की मेहमान है। Let's see, बॉम्ब कब फूटता है। जानती हूँ ये लोग यहाँ आ तो गई हैं, लेकिन मन ही मन बहुत डरी हुई है। कितने साल घर की चार दीवारी में रहना और फिर एकदम से ऐसे बाहर आना। तो अगर ऐसा है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। नहीं मतलब कंपटीशन जरूरी है, पर इन औरतों की खुशी भी मैटर करती है। हमें इन्हें कंफर्टेबल फील कराना होगा। कैसे?
क्या हुआ? क्या हुआ? नंदिनी कहाँ है? ये लड़की पागल है क्या? उसकी समझ में क्यों नहीं आता? मैंने उसे कहा था ना कि मैं रोहन से बात करूंगी, फिर तू चिंता मत करो बेटा, तू जरा भी चिंता मत कर, हम उसे ढूंढ लेंगे, उसे जाने नहीं देंगे उसे. Yes, we'll find Nandini. तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा. अनुपमा, do one thing, तुम यहाँ पे देविका और जीके के साथ संभालो, मैं समर के साथ जाता हूँ. Don't worry, कुछ नहीं होगा, हम नंदिनी को ढूंढ लेंगे. हाँ मम्मी, अनुज is right. आपका यहाँ पर रहना जरूरी है, आप यहाँ सब कुछ संभालिए, हम दोनों नंदू को ढूंढ के आते. Let's go, चलो. पर बापू जी, मिस्टर शाह को, मुझे मिस्टर शाह को बताना. सर ये रहा बिल, और ये बिल अभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा. अभी के लिए? अनुपमा मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, यहाँ वेंडर के साथ कुछ इशू हुआ है. भाई साहब अभी क्लियर करना मतलब? हमारी बात हुई थी ना कि महीने के एंड में सब क्लियर करेंगे एक साथ. सुनिए नहीं, समर के पापा. अनुपमा मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ. एक एक मिनट. बापू जी को पता? नहीं, यहाँ बताना ठीक नहीं, इस वक्त नहीं बता सकती हूँ. अनुज भैया नहीं है, ये सब मुझे संभालना है, वो नहीं. कंपटीशन में जरा भी गड़बड़ हो गई तो इन सब औरतों की हिम्मत टूट जाएगी. कान्हा जी ध्यान रखो, मेरे बच्चों पे आंच नहीं आनी चाहिए, जरा भी नहीं. समर, समर, मेरी नंदू, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ. अगर वो मेरी जिंदगी से चली गई मैं तो मर ही जाऊंगा. Calm down. I can't live without. Calm down, Samar. I can't. I just can't. Samar, calm down. Look at me. नंदिनी को ढूंढना चाहते हो ना, उसे अपने से दूर होने से रोकना चाहते हो, so be strong, Samar. अपने प्यार को हमेशा के लिए खोने का डर क्या होता है मैं जानता हूँ. हमेशा के लिए उसे किसी और का होते हुए देखने का डर क्या होता है मैं जानता हूँ. समर, उसे कभी दोबारा ना देख पाने का डर क्या होता है ये भी जानता हूं मैं. समर, लुक एट मी. ऐसे में सांस लेना भी बोझ लगने लगता है, बट हमें हिम्मत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है. डोंट वरी, हाँ मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली है तुम्हारे साथ, तुम्हारे मम्मी पापा सब है. हम नंदिनी को कुछ नहीं होने देंगे, ढूंढ के लाएंगे उसे. हाँ चलो बैठो, सिट. जिसका प्यार छीना हो वो किसी और के प्यार को छिनता हुआ नहीं देख सकता. प्लीज कान्हा जी, प्लीज. क्या हुआ मम्मी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलो बेटा, जज करने का समय आ गया. पर ये अनुज कहाँ है, उसे भी तो जज करना है. हाँ उन्हें अचानक से कोई फोन आया जरूरी काम का, तो उन्हें जाना पड़ा. मैं हूँ ना. क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? जी बापू जी, सब ठीक है. भगवान करे सब ठीक ही हो. अनुज समर को संभाल लेंगे, मुझे यहाँ संभालना होगा. तुझे क्या हुआ है? और अनुज कहाँ है? वो कुछ जरूरी फोन आ गया था तो कुछ काम के लिए. अनुपमा इतनी परेशान क्यों लग रही है, कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, पूछा तो कुछ बताया नहीं. अनुज भी अचानक चले गए बापूजी, कुछ तो जरूर हुआ है.
ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. इतनी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स के बावजूद इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. आपके रिजल्ट्स थोड़ी देर में आएंगे, पर तब तक आप लोग बातचीत कीजिए, गपशप कीजिए, अपना वी टाइम एंजॉय कीजिए. अनुपमा तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, समर के साथ मैं हूं, डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा. समर, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे घर वालों को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए. मेरे लोग नंदनी को ढूंढ रहे हैं, बट अब पुलिस को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी हो चुका है. दिस इज गेटिंग डैम सीरियस. ये नंदनी कहाँ है यार? उसके घर में मेरे सर्टिफिकेट्स और रेफरेंस लेटर्स है जो मुझे एक एक की एचआर टीम को मेल करने हैं. हाँ तो जब आ जाएगी तब ले लेना ना? कौन सा तुम्हें आज ही ज्वाइन करना है? ओह माय गॉड, ये इडियट अब तक मेरे फ्रेंड लिस्ट में है. कौन? मेमोरीज में दिखा रहा है फ्रेंड्स फॉर द पास्ट 7 इयर्स. कौन काव्या? अरे रोहन, नंदिनी का एक्स. क्या? रोहन, नंदिनी का एक्स. नंदिनी का एक्स भी है? और ये बात तुम्हें पता थी? इस बार हम बाद में बात करेंगे मिस्टर शाह, अभी नंदिनी को ढूंढना जरूरी है. वो कहीं चली गई है रोहन की वजह से. लेकिन रोहन तो यूएस में है. नहीं, वो यहीं पर है. What? हाँ, और बहुत दिनों से नंदिनी को परेशान भी कर रहा है. और ये बात तुमने मुझे बताई भी नहीं? मेरे बच्चों की परेशानियों पर मेरा इतना हक भी नहीं है क्या? बेटा, इन सब बातों के लिए हमारे पास बहुत समय है. अभी नंदिनी को ढूंढना बहुत जरूरी है. समर कहाँ है? वो नंदिनी को ढूंढने गया है. अब हेलो समर बेटा, कहाँ हो तुम? मिस्टर शाह, इट्स मी, अनुज कपाड़िया. तुम? एक्चुअली समर, नंदिनी के बारे में किसी से पूछ रहा है. उसका फोन गाड़ी में रह गया था. आपका कॉल देखा तो मुझे लगा कि आप सब परेशान हो रहे होंगे, इसलिए आंसर किया. मिस्टर कपाड़िया, आप लोग हैं कहाँ? हम लोग गांधी मार्केट में हैं. आप समर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूँ उसके साथ. और जैसे ही नंदिनी के बारे में कुछ पता चलेगा, आई विल इन्फॉर्म यू गाइस. डोंट वरी, मैं समर से आपकी बात कराता हूँ जैसे ही वो आता है. समर, कुछ पता चला? गाड़ी में बैठो, सिट. क्या हुआ? कहाँ है वो दोनों? चलिए मैं चलती हूँ ना आपके साथ. मैं कहीं नहीं जाऊंगा. क्यों? क्योंकि समर को उसके बाप की जरूरत है ही नहीं. उसने अपने बाप की जगह किसी और को दे दी. तुमसे कहा था अनुपमा, तुम्हें अपनी दोस्ती रखनी है तो रखो, लेकिन अनुज कपाड़िया को मेरे बच्चों से दूर रखना. और मैंने भी आपसे कहा था कि जब समर और नंदिनी को आपकी जरूरत पड़े तो बिना कोई सवाल किए एक पिता बन के उनके साथ खड़े रहिएगा. नंदू, अनुज कपाड़िया अपने आप को समझता क्या है? ना समर से फोन करवाया, ना खुद किया, बस मैसेज भेज दिया, नंदिनी मिल गई है. अनुज कपाड़िया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या कि वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे तो तुम इतना गुस्सा हो रहे हो? अरे मेरी भांजी मिल गई है, उस बात पर खुश होने की जगह
तुम अलग ही बात को पकड़ के सल्क कर रहे हो भी। काव्या बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे नंदिनी मिल गई है, वो बहुत बड़ी बात है, उसके आगे बाकी सब बातें छोटी है। थैंक गॉड समर अनुज के साथ है। अनुज इज सच अ नाइस मैन। उस दिन वो समर को घर लेकर आए थे और आज नंदिनी को लेकर आ रहे हैं। रिक्शा वाला भी घर लेकर आता है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि रिक्शा वाला की आरती उतारे। क्यों नहीं उतारेंगे? जरूर उतारेंगे। अगर रिक्शा वाला जान बचा के ले आए तो उसकी भी आरती उतारेंगे लीला। मम्मी नंदिनी, नंदू, नंदिनी ठीक है क्या? आराम से। ये रोके बेटा, पागल छोकरी, कोई ऐसा बिना बताए जाता है क्या? तुझसे मैंने कहा था ना कि मैं रोहन से बात करूंगी, फिर वो नहीं समझता, नहीं समझता ना आंटी। मैं उससे इतना तंग आ गई थी, परेशान हो गई थी और समर के लिए बहुत घबरा गई थी मैं, इसलिए मैंने सोचा मेरे चले जाने में ये सबकी भलाई होगी। लेकिन नंदिनी तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? मैं जा रही थी और अचानक रोहन अपनी गाड़ी लेकर आया, मुझे जबरदस्ती उसने गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, जैसे तैसे मैं वहां से भागी, पता नहीं फिर गिर के बेहोश हो गए। जब होश आया तब समर और अनुज वहां थे। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता ना तो मेरे बच्चों को इतनी तकलीफ से नहीं गुजरना होता। आज नंदिनी रोहन से नहीं, रोहन समर से भाग रहा होता। मैंने आज आपको फोन किया था पर आप... अरे आज किया था ना तुमने, पहले क्यों नहीं फोन किया, क्यों नहीं बताया पहले तुमने? क्योंकि मैंने और नंदू ने मम्मी को आपको बताने से मना किया था। वाह बेटा, वाह, अपने बाप को पराया कर दिया और बाप की जगह किसी और को दे दी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मिस्टर शाह, इसमें समर की कोई गलती नहीं है, आई जस्ट ओवरहर्ड द कॉन्वर्सेशन। सो मिस्टर कपाड़िया, मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा हूं, प्लीज। यू आर राइट, आई शुडंट हैव, आई एम सॉरी अंकल, आई एम रियली सॉरी, इट्स ऑल माई फॉल्ट। आंटी की कोई गलती नहीं है इसमें, इनफैक्ट आंटी कह रही थी बहुत दिनों से कि हमें आपको सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं ही डर गई थी, मुझे लगा कि आप सबको मेरे एक्स के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे, स्पेशली बा। छुपाया मैंने और नंदू ने, तो आपको जो भी कहना है आप मुझसे और नंदू से कहिए, मम्मी से नहीं। अरे अनुज बेटा, वहां क्यों खड़े हो? यहां आओ बैठो। थैंक यू। वो नंदू को बेहोश देखा तो मैं सब कुछ भूल गया, बट थैंक यू सो मच। इट्स ऑल राइट किडो, शी इज फाइन नाउ। एहसान जरा सोच समझ के कीजिए ना, आपने तो इतने एहसान कर दिए कि थैंक यू बहुत 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 छोटा शब्द लगता है, समझ ही नहीं आ रहा कि कहूं तो क्या कहूं। अनुपमा प्लीज, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।